press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 2 न्यूमेरिकल लेकर आए थे, आज फिर से हम लोग उसके आगे का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, इसे अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें तथा शेयर करें। क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बीमाहीन है। ठीक है, देखिए के ई स्क्वायर के नियतांक है, ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका स्क्वायर बटा जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये अनुपात हमको दिखलाना है कि ये बीमाहीन राशि है, और इसके लिए आपको भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर सकता है, के स्क्वायर क्या है कूलॉम आकर्षण बल, देखिए चूंकि कूलॉम आकर्षण बल से 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r² ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। किस कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल। ठीक, और F E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 pi epsilon naught क्या कहलाता है कांस्टेंट के क्यू, यानी पहला चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन बाई आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देखिए के ई स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये जो के ई स्क्वायर दिया हुआ है वो क्या है विद्युतीय बल दिया हुआ है कूलॉम के नियम से, इसको मान लीजिए इक्वेशन एक। अब लगा दीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम वन यानी पहला वस्तु, पहला क्या है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और उसके बीच आर का स्क्वायर इक्वेशन टू। अब ये दोनों का अनुपात कर दीजिए, इसीलिए एफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्या एफ ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा के ई का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी आ गया। अब ये दिखाना है कि ये जो राशि है इसको क्या करना है बीमाहीन, तो देखिए यहां से इस तरह से करेंगे एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट 1/4 pi epsilon naught, इसका मान कितना होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, फिर गुना ई क्या है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹ और कूलम, और उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक सर, फिर बटा स्क्वायर में क्या जी, जी कितना है 6.67×10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर गुना एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देना है 9.1×10⁻³¹ केजी, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6×10⁻²⁷ केजी हो गया। यहाँ पर अगर सारणी बनाना चाहते हो तो एम ई कितना हो जाएगा 9.1×10⁻³¹ केजी, एम पी कितना हो जाएगा 1.6×10⁻²⁷ केजी, चार्ज ऑफ फाइन इलेक्ट्रॉन अगर ये लेंगे तो 1.6×10⁻⁹
माइनस 19 कूलम्ब कैपिटल सी देना है। उसके बाद अगर हम लोग कैपिटल जी का मान निकालेंगे जो यहाँ दिया हुआ है 6.67 गुणे 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर के जो 1/4πε0 नोट होता है, अगर इसका मान निकालेंगे तो 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये देखिए सबका मान आ गया के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी कितने 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब देखिए क्या करना है कि ये बीमाहीन है। बीमाहीन मतलब क्या, ना तो इसका कोई मात्रक होगा और ना ही इसका कोई बीमा होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से न्यूटन को न्यूटन कैंसिल कर देगा, मीटर को मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देगा, केजी गुना केजी तो केजी का स्क्वायर, तो केजी का स्क्वायर प्लस और केजी का स्क्वायर माइनस, तो अगर हम पावर जोड़ेंगे तो केजी और केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कूलम्ब का स्क्वायर माइनस और कूलम्ब का स्क्वायर इसको करेंगे तो प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आपको कोई यहाँ पर मात्रक दिखाई पड़ रहा है, न्यूटन भी खत्म, मीटर स्क्वायर खत्म, कूलम्ब स्क्वायर खत्म, कूलम्ब स्क्वायर खत्म, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर सब खत्म हो गया, केवल क्या बचा हुआ है अंक। मात्रक कोई भी बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये जो राशि दिया हुआ है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी वो क्या हो गया, बीमाहीन राशि हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः के ई स्क्वायर बटा जी एम ई इंटू एम पी क्या है, बीमाहीन राशि है। चलिए हो गया एक। उसके बाद देखिए इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो भी मान बचा हुआ है सबको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, गुना भाग कर लेंगे और उसका जो मान आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह अनुपात क्या बतलाता है, तो यह अनुपात क्या बतलाता है कि यह विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, ठीक है। तो यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे देखिए इसका मान निकाल। ये हो गया एफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कितना आया हुआ है, देखिए यहाँ पे 9×10^9, ठीक है। उसके बाद 1.6×10^-19 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, दो बार गुना करना है, डिवाइड 6.67×10^-11 गुना ये हो गया 9.1×10^-31 1.6×10^-27। अब इसको हल कर लीजिए, 1.6 तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब गुना करें कितना आएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो 16×144 और 10^10 कितना हो जाएगा, देखिए पावर को जोड़ना है, आधार सेम रहेगा तो 19×19 38 माइनस और प्लस 9 तो कितना बचेगा, -29, ठीक है। फिर डिवाइड करना है, ये दोनों को गुना कर लीजिए, 60.697 गुना 10^10 कितना हो जाएगा, 27×31 58 होगा इसका और 11 कितना -69 उसका 0.237 गुना 10^10 देखिए ये ऊपर जाने पर प्लस जाएगा तो +69×29 जाएगा कितना बचेगा 40, ठीक है। तो ये देखिए एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन यानी विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2.37×10^ ये 39 यानी 39 गुना, और इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, शुरू में बीमाहीन राशि है। तो देखिए इस अनुपात का मान तो ज्ञात हो गया, अब यह अनुपात क्या बदलाता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह अनुपात बताता है कि देखिए अगर इस ग्रेविटेशनल को यहां ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, विद्युतीय बल गुरु त्वाकर्षण बल का कितना
टेन टू दी पावर 39 गुना ज्यादा है। नहीं, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमी करते हैं, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसको देखो, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण आपको लोग को लिखा दिए हैं, उसका आंसर लिख लेना। ठीक है, और अगर नहीं लिखना है तो भी हम लिखाते हैं, लिखिए। किसी वस्तु के वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य? इसका आंसर देखिए यही हो जाएगा, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण इस इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण, यानी q इक्वल टू प्लस माइनस। यानी देखिए, यान क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई वस्तु, या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, वो कहलाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? एक चार्ज का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश का प्रयोग करते समय हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका आंसर बड़ा इजी हो जाएगा। जब भी हम किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ेंगे तो उस पर आवेश का कितना परिमाण जाएगा? प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यानी, लेकिन इतना अधिक इलेक्ट्रॉन उस पर चला जाता है कि हम लोग को फिर ये जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है इसको नहीं पढ़कर क्या पढ़ना पड़ता है? आवेश का सतत वितरण, बहुत अधिक चार्ज किसी दूसरे वस्तु पर चला जाता है। तो जब हम बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश का प्रयोग करेंगे तो हम क्वांटमीकरण नहीं करके क्या कर देंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का सतत वितरण। तो इसमें लिख लीजिएगा, देखिए हम लोग जैसे कि अभी तुरंत ऊपर में ही पढ़े थे, यद्यपि आवेश का नेचर प्राकृतिक कैसा होता है? क्वांटमीकृत होता है, होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हम लोग जानते हैं कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ केजी होता है, जो बहुत कम है। अतः हमें आवेश के सतत वितरण का प्रयोग करना पड़ता है। बस हो गया, ठीक है। यद्यपि आवेश का प्राकृतिक हम लोग जानते हैं कि क्वांटमीकृत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए बहुत कम है, और इतना कम द्रव्यमान होने पर जब किसी वस्तु का आवेश दूसरे पर चला जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेश का वितरण कैसा है? कंटिन्यूअस। देखो सर, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, इसी प्रकार की प्रघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। तो स्पष्ट ये करना है कि क्या यह जो परीक्षण किया गया है कांच के छड़ को रेशम के टुकड़ा से रगड़ा गया, या किसी अन्य वस्तुओं को भी इसी प्रकार जब रगड़ते हैं तो वो आवेश संरक्षण का नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है? तो देखिए, इसका आंसर लिख लीजिए। तो जब कांच के छड़ को, देखो जब भी कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे तो कांच धन आवेश से आवेशित हो जाएगा, धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांच से इलेक्ट्रॉन लेकर किस पर चला गया? रेशम पर। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। कोई भी वस्तु क्या रहता है? विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब क्या हो गया कि उसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो रहेगा। इसका मतलब हो गया कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की संख्या समान रहेगा। अब अगर कांच धन आवेश से आवेशित हो गया तो इसका अर्थ क्या है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, और निकल के कहां पर चला गया? देखिए,
समान परिमाण का ऋणावेश रेशम पर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ चला गया? रेशम पर। तो फिर अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे तो इसका ऋणावेश और इसका धनावेश फिर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आवेश ज्यादा हुआ ना ही कम हुआ, जितना आवेश शुरू में था इस प्रक्रिया के अंत में जितना नेट आवेश रहता है उतना शुरू में भी रहता है। इसका मतलब ये क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बस अब इसके आगे का कहानी कल बताएंगे।